लेमन वाला एग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े का लेमन वाला लेके आई हूँ। अंडा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी फुल वीडियो को जो है वॉच कीजिएगा, बनाइएगा, आप लोग को पसंद आएगी। आपने इसका एक भी स्टेप मिस नहीं करना। अंडा जो है सर्दियों की सौगात है, लोग तो सर्दी गर्मी खाना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत टेस्टी बनता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह जब भी आप एग बनाएंगे अपने घर वाले बहुत पसंद करेंगे। तो मैं आप लोग से पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, आपने फुल वीडियो को वॉच करना। तो आइए हम रेसिपी जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपके घर में शाद और बाद रखे, आपके खानों में रिस्क बरकता फरमाए। आज हम लोग एग बनाने लगे हैं। एग जो बना रहे हैं उसके लिए हमने एक एग ले लिया, ये हमने हाफ प्याज लेना है, हमने हाफ प्याज इस्तेमाल करना है, पूरा प्याज नहीं लेना। दो सब्ज मिर्च लिया, एक लेमन लिया है और चाट मसाला लिया। सबसे पहले हम प्याज जो है इसको काट लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। मैं ऑयल शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमने जला ली है। अब हम फ्राई पैन को जो है ऊपर रख देंगे और अब हम लेमन और सब मिर्च की जो है कटिंग कर लेते हैं इतनी देर में। अब जो मैं इसमें लेमन निचोड़ दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन की जो मैंने कटिंग कर ली है, अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन शामिल करेंगे, क्योंकि चाट मसाले में जो होता है नमक थोड़ा सा कम होता है और जो स्पाइस होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें हम सब्ज़ मिर्च वो भी शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से जो चाट मसाला है वो शामिल कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें पहले लेमन भी शामिल कर दिया है तो ये काफ़ी स्पाइसी हो जाना है। थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। जनाब सबसे पहले हम इसमें एग शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। एग जो है वो इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी हमारा प्याज वाला अंडा जो है वो तैयार हुआ है। देखिए तो कलर कितना प्यारा आया। अब हमारा जो एग है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ सर्विंग। इतना हमारा बहुत टेस्टी और मज़े का जो एग है वो तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी बना है। अब जो है मैं इसकी कर लेती हूँ सर्विंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जनाब हमने सर्विंग कर ली है, हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़े का एग जो है वो तैयार हो चुका है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।